अब आइए समझते हैं कि आखिर कैसे कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार संकट में है। 2018 में कर्नाटक की 224 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन बहुमत साबित करने में नाकाम रही। वहीं कर्नाटक में दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, जिसके 80 विधायक विधानसभा पहुंचे, लेकिन जेडीएस 37 सीट जीतकर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने में कामयाब रही। ठीक एक साल बाद कर्नाटक की सियासत में बदलाव आया और कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए, जिसके बाद सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे, क्योंकि बगावत के बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या 209 रह गई और कांग्रेस के 68 विधायक रह गए। वहीं जेडीएस के 34 ही एमएलए बचे, जबकि कर्नाटक की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास अब भी 105 विधायक हैं। कुमारस्वामी को अपनी सरकार बचाने के लिए 105 विधायकों की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास सिर्फ 102 विधायक हैं। और इधर आयकर विभाग ने मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी की नोएडा में 400 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की है। यहाँ प्लॉट दिल्ली के नजदीक नोएडा में है। दरअसल मायावती के भाई आनंद कुमार की संपत्ति की जांच आयकर विभाग कर रहा था। आयकर विभाग को इस जांच में पता चला कि आनंद कुमार के पास नोएडा में 28,328 स्क्वायर मीटर का एक बेनामी प्लॉट है। 7 एकड़ में फैले इस प्लॉट की कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है। तो आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति जब्त की है और अब इससे जुड़े हुए तमाम जो तथ्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। मायावती के भाई की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया है और जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। जो अमाउंट बताया जा रहा है वो इस बेनामी संपत्ति का 400 करोड़ है और एरिया अगर बताएं तो बड़ा एरिया है। ये 28,328 स्क्वायर मीटर का एक बेनामी प्लॉट है जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। इधर यूपी के संभल में पेशी पर गए कैदियों में 3 ने पेशी से लौटते वक्त सिपाहियों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक कर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 पुलिस वालों की मौत हुई है। वारदात के बाद 3 कैदी पुलिस वालों की राइफल लेकर फरार हुए हैं, लेकिन यूपी की संवेदनहीनता, जो पुलिस की संवेदनहीनता है, उसका देखिए जवाब नहीं है। तब देखने को मिली जब मारे गए पुलिस वालों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई जा सकी। कैदियों के हमले में मारे गए पुलिस वालों को एक छोटे ट्रक में डालकर ले जाया गया। यही नहीं, उनके शव पर कपड़ा तक नहीं डाला गया था। इस बीच हत्या को अंजाम देने वाले कैदियों पर 2.5-2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो जिन 2 सिपाहियों की मौत हुई है वो इसी वैन में सवार थे? सर, वैन में सवार थे। आप लोगों को कहाँ से लाया गया था? सर जी, हमें चंदौसी से। चंदौसी से कहाँ ले जा रहे थे? मुरादाबाद। अच्छा, तो वो 3 जो भागे हैं वो क्या पहले से कोई बात कर रहे थे आपस में? नहीं सर, हमें कुछ मालूम नहीं इस बात का। हाँ, हम आगे बैठे थे, वो पीछे बैठे थे। किस वक्त की घटना है जी सर? किस वक्त की है ये वारदात? ऐसे ही 4 बजे के टाइम की। अच्छा, तो क्या उनके गाड़ी कैसे रुकी, फिर क्या हुआ कैसे? जैसे ही उन्होंने फायर करा तो ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोकी। बोले ड्राइवर साहब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, सब भाई गाड़ी गाड़ी। हाँ, हाँ, सब कोनों में भर रहे, सीटों के नीचे भर गए। तो कैदी तो आप लोग मीटर फेंकी पहले कैदियों के ऊपर से। अच्छा, तो फिर बाहर कैसे निकले, क्योंकि बाहर से ताला लगा रहता है? जी सर, अब भी ताला लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने नीचे से चैनल। क्या क्या उन पर भी कोई हथियार थे? जी सर, उन पर हथियार थे। अच्छा, क्या था? तमंचे थे उन पे। अच्छा, तो उन्होंने पहले मिर्चे फेंकी, उसके बाद गोली मारी? जी सर। और दोनों की राइफलें भी छीन के ले गए? एक राइफल लेना, एक पड़ी थी। फिर क्या हुआ, कितने देर बाद? वो सर हाथों हाथ थक गए। बल को लेकर कई सारे सवाल विपक्ष भी कर रहे हैं और आपकी तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, संबल की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कल ये घटना हुई जिसमें हमारे 2 जवान और 3 कैदी भाग गए। हम उस पर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हमने कई व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हमने भागे हुए अपराधियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम, जिसमें STF भी शामिल है, वो हमारी टीम कुछ दिनों में इस पर सफलता प्राप्त करेगी। एक बात और आ रही थी कि एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँची, एम्बुलेंस पहुँची तो अपने सिपाहियों की जान बच जाती। देखिए, मैं ये क्लियर कर दूं कि जब वो घायल हुए तो उनको तत्काल मेडिकल एक असिस्टेंस के लिए ज़रूरी था कि कोई भी माध्यम मिलता, हम उसको तुरंत भेजते। इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि एम्बुलेंस नहीं था, तो एम्बुलेंस का मैं इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि उन दोनों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता थी। इसलिए जो भी माध्यम हमें मिला, सड़क का और गाड़ियों का, उस पर हमने उन सिपाहियों को रखा और उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की। इसमें कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं थी, उस समय जान बचाना हमारी प्राथमिकता थी। वहीं सामल में सरकारी अस्पताल के सीएमओ का कहना है कि उनको पुलिस ने एम्बुलेंस के लिए कोई खबर नहीं दी है। सीएमओ ने दावा किया कि खबर मिलती तो एम्बुलेंस जरूर भेजी जाती।
मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं आई, अगर सूचना आई होती तो मैं तत्काल एम्बुलेंस उपलब्ध करा देती। मुझे तो इसकी सूचना जब वो चंदौसी पहुंच गए हैं तब वहां के MOIC के द्वारा मुझे सूचित किया गया, तब मुझे इसकी सूचना। संभल में शहीद पुलिस वालों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। शहीद पुलिस वालों के परिवार ने खून का बदला खून से लेने की मांग की है। वहीं मारे गए पुलिस वालों को उनके साथियों ने श्रद्धांजलि दी। तो परिवार में मातम है लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना चाहिए कि आखिर उनकी जब मौत हुई तो उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस क्यों नहीं नसीब हुई, और जब अगर सिमो कह रहे हैं किस तरह से उन्हें इस तरह की जानकारी ही नहीं दी गई कि किसी तरह की एम्बुलेंस की ज़रूरत है, अगर होती तो वो ज़रूर पहुँचाते। परिवार वाले रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सवाल यहाँ पर कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक किसकी वजह से हुई, मिर्च पाउडर कैसे कैदियों के पास पहुँचा और ये वारदात कैसे किन हालात में अंजाम दी गई। मेरे लाल का मिजा सावर आ जाएगा मेरे लाल के लिए, मेरे बानो मायो खबर आई गोली मारी है तेरे लाल को, चंदौसी मैं मारी री मैया। इस बीच संभल में पुलिस वालों की हत्या को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने यूपी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरा है। लखनऊ विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। वहीं समाजवादी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने संभल के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया। क्या कहेंगे, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। देखिए, विपक्ष का काम है कि सरकार को सरकार के साथ मिलकर या सरकार के विरुद्ध आप इश्यूज उठाएं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, यही लोकतंत्र की ताकत भी है और विपक्ष को उठाना चाहिए। और संसद या विधानसभा वो ऐसी जगह है जहां पर और प्रबलता से उठानी चाहिए, मगर दोनों जगह ये कहा जाता है कि आप उठाएं तो सरकार को भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, मगर विपक्ष खाली शोर शराबा कर और दूसरी तरफ सरकार का पक्ष ना सुनते हुए वो हाउस को ना चलने दे, ये सही नहीं है। जो आज हुआ वो गलत है और जो सुन रहे हैं कि वो कल भी इसी प्रकार का रवैया रहेगा विपक्ष का, तो मेरा तो इतना ही उनसे रहेगा कि आप लोग हम लोगों को कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और आप हमसे बहस करिए, आप हमके बिंदुओं पे घेरिए, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। संभल की घटनाओं को लेकर ज्यादा हमलावर है। DGP ने भी कहा कि जो घटना हुई तो एम्बुलेंस नहीं आई और हमने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। नहीं देखिए, जो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है जब ये घटना हुई है और जहां पर एक कहीं DGP कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें फॉलो नहीं हुई, प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हुआ, तो अब उसके ऊपर DGP अपने हिसाब से जो भी सही समझेंगे करेंगे, वो सक्षम है और उनको छूट भी है कि आप कानून व्यवस्था को ठीक करें, तो उसके हिसाब से जो भी अपना कार्रवाई करेंगे, मगर जल्द करनी चाहिए जिससे एक मैसेज अच्छा जाए। देखिए, विपक्ष का काम है एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना और सरकार को विभिन्न तथ्यों पर जागृत करना, लेकिन कुछ परंपरा ऐसी पड़ गई है कि विपक्ष के लोग जब भी कोई विषय होता है उसको उठाने के बजाय वो प्रदर्शन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनकी तथ्यों पर कोई वास्तविकता नहीं होती। अगर आप देखें, मैं कुछ घटनाओं का उल्लेख, कुछ घटनाएं दुखद घटी, नहीं घटनी चाहिए थी, उन पर कठोर कार्रवाई सरकार तत्काल कर भी रही है। संभल की घटना का मुख्यमंत्री जी ने पूरा संज्ञान लिया है और वहाँ 5 टीमें हमारी गठित हुई हैं, सीमाएं हमारी सील की हैं जिले की, जिससे कि अवलंब जो फरार कैदी हैं वो सलाखों के पीछे हों। मुरादाबाद वापसी करते समय कुछ कैदियों ने पुलिस वैन के अंदर हमारे जावाज पुलिस वालों पर हमला किया, उसमें 2 हमारे जावाज सिपाही शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है और 50 लाख आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। हमारे साथ राज बब्बर हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राज बब्बर जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, सोनभद्र में 10 लोगों की हत्या हुई, नरसंहार उसको कह सकते हैं आप, इसके अलावा संभल में 2 पुलिस वालों की हत्या हो गई और उसके अलावा वो उनके शव, पुलिस वालों के शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। देखिए, कोई नई बात नहीं है,
उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि सरकार का अहवाल ख़त्म हो चुका है। बात ये नहीं है किसने किसको मारा, और बात ये भी नहीं कि किस जात ने और किस धर्म के और किसने किसको मारा। बात ये है कि वर्दी वाले को लोग मार देते हैं, सरकार की जो एम्बुलेंस है वो उन तक उनके उनको जो है राहत के लिए तो छोड़ी है, उनके कम से कम वहाँ से उठाने के लिए भी नहीं पहुँचती। ये इससे आप कानून व्यवस्था को अच्छी तरह देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर डर खत्म हो चुका है शासन का, प्रशासन का। और इसी शासन और प्रशासन को